हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बीएससी तो संबंधित नहीं है, फिर भी बहुत हद तक बीएससी स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सबसे सटीक और सबसे अनुभवी शिक्षक और यूट्यूबर राणा सर के बारे में। बिहार के लगभग सभी स्टूडेंट राणा सर को जानते हैं और उनसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप सभी बीएससी स्टूडेंट देखे हैं कि बिहार एसएससी 2014 के मुद्दे को लेकर बिहार के बड़े बड़े टीचर्स यूट्यूबर्स वीडियो बनाकर छात्रों के हित के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे विपिन सर, गुरु रहमान सर, ट्रू न्यूज फॉर स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म के नवीन सर और भी टीचर्स इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। पर बिहार के इतने बड़े यूट्यूबर होकर भी जिनके वीडियो बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, बीपीएसएससी के स्टूडेंट हमेशा देखते आ रहे हैं, फिर भी उनको कभी भी बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, बिहार दरोगा के मुद्दे को उठाते हुए नहीं देखा गया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि कभी भी इस वीडियो पर उनको वीडियो बनाते हुए मैं कभी नहीं देखा हूँ। तो ऐसा क्या बात है कि बिहार के किसी भी सरकारी आयोग के बारे में नहीं बोलते हैं वो? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार दरोगा के मेडिकल से संबंधित छात्र परेशान हैं, बीएसएससी के स्टूडेंट टाइपिंग शॉर्ट लिस्ट के लिए परेशान हैं, और कुछ दिन पहले बीपीएससी का मुद्दा भी उठाया गया था और उनके द्वारा कभी भी इस सारे विषयों पर वीडियो बनाते हुए नहीं देखा गया है। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जिनके कारण वो वीडियो नहीं बनाते हैं? तो उनके बारे में एक बात सामने आई है, यह बात खुद राणा सर ने बताया था। जब उनको 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ था तो उन्होंने बताया कि वह एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और वह नहीं चाहते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी होकर सरकार के लिए काम करते हुए सरकार की आलोचना करें। उन्होंने यह बात खुद अपनी वीडियो में बताई थी। दोस्तों, मेरी उम्र तो सर से बहुत छोटी है और उनसे समझ भी कम है, पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रहे या फिर नहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सरकार या आयोग गलत करेगी तो उसको गलत ही कहा जाएगा, इससे सरकार के विरुद्ध बोलना नहीं कहा जाएगा। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि बिहार के या भारत के जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, अगर सरकार कोई गलत कानून बनाती है या फिर गलत बयानबाजी करती है तो उनके ही पार्टी के सदस्य गलत बोलते हैं कि यह गलत बात है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम सरकार के अंग हैं तो सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बिहार एसएससी के स्टूडेंट को तो इतने दर्द मिले हैं कि कोई भी उनकी कहानी सुनता है तो ऑटोमेटिक आयोग के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल ही देता है। तो दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरी कोई गलत मानसा नहीं है राणा सर के बारे में, पर जब सारे टीचर्स और यूट्यूबर्स बीएससी और बिहार दरोगा के मुद्दे को उठाते हैं तो उन्हें भी छात्रों के सपोर्ट में आना चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर आप सभी का क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों, मैं आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी कोई मानसा नहीं है राणा सर के बारे में, लेकिन अगर राणा सर स्टूडेंट के लेकर वीडियो बनाएंगे तो उसका असर आयोग पर पड़ता है और उनको बनाना भी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों।